खाद्य सुरक्षा एवं ड्रग कंट्रोल राजस्थान इकबाल खान एवं जिला कलेक्टर के निर्देशन पर आहार मिलावट परवार के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत आज माकड़वाली स्थित लजीज अफेयर रेस्टोरेंट पर कार्यवाही को अंजाम दिया गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यवाही के दौरान फ्रिज में रखा खराब हो चुका पुराना नॉनवेज, सब्जियां, ग्रेवी, चटनी, लगभग 25 किलो का सामान नष्ट किया गया। वहीं काबुली चना उबालकर फ्रिज में सब्जी बनाने के लिए रखा गया था, जिसमें दुर्गंध आ रही थी। प्रोपराइटर कुलदीप सिंह फ्रिज में रखे सब्जी बनाने वाले मसाले को सूंघकर हैरान हो गए। आपको बता दें कि भारी मात्रा में फूड कलर भी नष्ट किए गए। वहीं वेज और नॉन वेज दोनों को एक साथ एक ही फ्रिज में रखा गया था, जबकि नियमानुसार फूड कलर का इस्तेमाल भोजन तैयार करने में प्रतिबंधित है। मौके से दही और रंग युक्त चटनी के नमूने भी लिए गए। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमानुसार चेकिंग के दौरान अनिवार्य स्टाफ के मेडिकल फिटनेस, पानी की जांच रिपोर्ट, पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं था। इस दौरान मौके पर प्रोपराइटर कुलदीप सिंह को उक्त अनियमितता और कर्मियों को दुरुस्त करने के लिए रेस्टोरेंट कर्मचारी एवं मालिक को पाबंद किया गया। इसी के साथ नोटिस भी जारी कर अग्रिम कार्यवाही भी की जाएगी। वहीं दूसरी ओर वैशाली नगर स्थित मांझी चाट भंडार से भी छोले और चाट का नमूना लिया गया। इस कार्यवाही के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनील चोटवानी, अजय मोयल, केसरी नंदन शर्मा एवं सहायक राजकुमार इंदौरिया भी शामिल रहे।